अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सॉरी परसों हमने अपना सेकंड चैप्टर क्लियर किया था, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर के कंसोनेंट्स पढ़े थे। एफ वी इथ दी एस जी इश ये 8 कंसोनेंट्स थे जो कि कर्व स्ट्रोक्स थे। ठीक है, कर्व स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। फिर इनकी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे कि है दे से एस का स्ट्रोक लगा के बाद में ए वॉवल का साइन लगा देना है। से फेड फेथ शेप। इसी तरह से हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। फिर हमने वॉवल ओ, लॉन्ग वॉवल ओ एंड शॉर्ट वॉवल यू को डिस्कस किया था। लॉन्ग वॉवल ओ को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और शॉर्ट वॉवल यू को लाइट डैश से। और ये दोनों सेकंड प्लेस वॉवल्स थे। सेकंड प्लेस वॉवल्स हमारे जो हमने 4 पढ़ने थे वो हमारे 4 क्लियर हो गए। 2 हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे और 2 ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज को क्लियर करना है। हालांकि ये वाला लेक्चर जो है वो मैंने कल अपलोड करना था, लेकिन बस मेरी तरफ थोड़ा नेट का इशू था तो मैं नहीं कर सकी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 3। पिछले चैप्टर में हमारे पास एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 को डिस्कस करना है। ओके, तो मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 करवा देती हूँ और आपने एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो खुद करनी होगी। अगर आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, ये सारा पिछले वाला सारा, तो आप ये इजीली कर सकेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 फर्स्ट में वो क्या कह रहा है। एस का स्ट्रोक लगा हुआ है, ये यहाँ पे एस का स्ट्रोक लगा हुआ है, साथ में हैवी डैश लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग वावल ओ है। तो ये क्या बन गया, शो। फिर ये जो है ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म लगी हुई है, जो कि डी की जो शॉर्ट डी का जो स्ट्रोक है वो डेम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारे पास डेम है, डेम साथ में टिक छोटा सा, तो इसका मतलब है ये डी है। शो डेम डी बोट, बी के साथ लॉन्ग वॉवल ओ, साथ में टी का स्ट्रोक, बोट फुल स्टॉप। सेकंड है हु। अब ये डार्क में डैश लगी हुई है, तो ये डार्क वाली जो है वो हु के लिए यूज़ होगी। ठीक है, लाइट वाली जो है वो बट के लिए यूज़ होती है। हु शेल। अब इश का जो स्ट्रोक है वो शेल के लिए भी यूज़ हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास शेल लिखा हुआ है। हु शेल फेच दी बोट क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड पे लिखा हुआ है विच बोट शेल जो। अब ये नाम है एक, इसमें नाम का जो वो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है ना, तो इसमें हमारे पास नीचे 2 डैशेस दे दी गई हैं, जो के नीचे 2 डैशेस हैं। आप अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसका इस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। जो अब एक नाम है तो इसके लिए हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होगा, तो इसलिए नीचे 2 डैश दे दी गई है। ठीक है, विच बोट शेल जो शो टू देम क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है दे हैव यूजुअली, ये का स्ट्रोक जो है वो यूजुअली की वो शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूजुअली लिखना। ठीक है, दे हैव यूजली पेड अस टू डू कामा बट, लाइट डैश है तो ये बट है। यहाँ पे यहाँ पे ये डार्क डैश थी, तो यहाँ पे ये हु के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, कामा बट दे हैव पेड एट कामा टू। अब यहाँ पे टी डबल ओ वाला टू यूज़ हो रहा है,
क्योंकि ये डार्क है, ठीक है, टू फुल स्टॉप। फिफ्थ है हमारे पास दे बोथ, बी का स्ट्रोक और इट का स्ट्रोक साथ में ओ लॉन्ग वॉवल ओ का साइन, दे बोथ से सो, स्ट्रोक एस के ही है लेकिन यहाँ पे वॉवल साइन जो है वो ए का लगा हुआ है और यहाँ पे ओ का लगा हुआ है, दे बोथ से सो फुल स्टॉप। अब सिक्स है हमारे पास दे थिंक दे हैव टू वोट टू एड देम, ओके। सेवंथ क्या है, सेवंथ है विच वॉज दी, जे का स्ट्रोक जो है वो विच के लिए यूज होगा, विच जी का स्ट्रोक जो है वो वॉज के लिए यूज होगा, विच वॉज दी पेज, विच वॉज दी पेज दे शोड अस, क्वेश्चन मार्क। नंबर एट है हु वॉज अप टू पेज टू, क्वेश्चन मार्क। नंबर नाइन्थ पे है लास्ट दे बोथ से इट वॉज, टी का स्ट्रोक जो है वो इट के लिए यूज होगा, इट वॉज यूजली टू वोट फुल स्टॉप। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर थ्री थोड़ी समझाई है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट सारा क्लियर है तो आप एक्सरसाइज नंबर टू भी आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सब पहले ये दोनों एक्सरसाइजेस का स्क्रीनशॉट लें, एक्सरसाइज नंबर टू और एक्सरसाइज नंबर थ्री। थ्री तो मैंने आपको समझा दिए ना, अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर टू जो है इसको पहले समझना है, इसके हर स्ट्रोक पे हर वर्ड पे आपने नोट करना है कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है। जब आपको सारा लिखा हुआ समझ आ जाए तो उसके बाद आपने खुद इसको नोटबुक्स में शॉर्ट हैंड में इसी राइटिंग में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना, ठीक है। इसी राइटिंग में शॉर्ट हैंड में आप लोगों ने नोटबुक्स पे थ्री टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम किसी दिन आप होमवर्क नहीं देती ग्रुप में, तो जिस दिन मैं होमवर्क नहीं देती उसका मतलब यही होता है कि जो मैंने लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया है वही जो है होमवर्क करना है। जैसे मैंने अब ये चैप्टर नंबर टू जो मैंने ये सारा पढ़ाया था यहाँ तक, इसका मैंने होमवर्क नहीं दिया था। मैं आप लोगों को इसीलिए बोलती होती हूँ कि साथ ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मोबाइल एग्जाम पर रखती हूँ ताकि आप ये सारी एग्जाम्पल्स नोट कर लें, सारे स्ट्रोक्स एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लें और बाद में इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जिस दिन मैं होमवर्क नहीं देती ये नहीं मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने कुछ करना नहीं है, बल्कि करना होता है, इसी चीज़ की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है, ओके। इसे एक्सरसाइज नंबर थ्री मैंने आपको क्लियर करवा दी है, एक्सरसाइज नंबर टू अब आपने समझनी है, करना है। तो कल फिर हम लोग अपना चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जब हम लोग कर लेंगे ना तो ये हमारे 22 कंसोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 24 स्ट्रोक्स होते हैं, 24 कंसोनेंट्स हमने पढ़े थे ना, शॉर्ट हैंड में 24 कंसोनेंट्स हैं। तो जब यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे 22 कंसोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे, पीछे दो रह जाएंगे जो कि होंगे आर एंड एच, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे आर एंड एच को, ठीक है। बाकी यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने 6 कंसोनेंट्स पढ़े, पी बी टी डी जे जे, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग वॉवल ओ पढ़ा जिसको हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमने जॉइनिंग ऑफ कंसोनेंट्स के 5 रूल पढ़े थे जो कि मैंने आपको समझाए थे, नोट डाउन करवाए थे।
फिर शॉर्ट वॉवल ई हमने डिस्कस किया था जो कि लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स डिस्कस की थी, बी इट डू विच दी टू टू बट हो। फिर हमने फ्रेजिंग पढ़ी थी कि दो अल्फाज को आपस में जोड़ के किस तरीके से लिखना है, जैसे टू डू है, बट विच है, टू दी, बी दी, डू दी, विच दी, पे दी, पेड दी। फिर हम लोग ने पंक्चुएशंस को डिस्कस किया था, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, हाइफन, डैश, पेरेंथेसिस, और बाकी साइंस जो है ना वो तकरीबन उसी तरीके से यूज़ होते हैं जैसे कि लॉन्ग हैंड में यूज़ होते हैं, जैसे इंग्लिश में कॉमन यूज़ होते हैं उसी तरीके से इसमें भी यूज़ होते हैं, बस इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर हम लोग ने एक्सरसाइज 1 भी डिस्कस कर ली थी और आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 को भी डिस्कस कर लिया। ओके चलें, फिर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आप मुझे ग्रुप में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, ठीक है? और जिस दिन मेरा लेक्चर नहीं आता उस दिन बस आप समझ लिया करें कि मेरे पास कोई नेट इशू है, ठीक है? कल भी मैंने बहुत ट्राई किया कि अपलोड हो जाए लेकिन नहीं हो सका, थोड़ा नेट इशू था, तो आज मैंने कहा तो मैंने लाजमी करना है। और होमवर्क भी जो है जिस दिन मैं नहीं देती उस दिन आप लोग मेरे लेक्चर का ही किया करें, लेक्चर की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।